ये हिरन देखिए जो अंदर की ओर जा रही है वो आप देख सकते हैं, ये रही देखिए, शायद आ जाए आ जाए। अभी हम लोग यहाँ पर सिलीगुड़ी से चालसा की ओर आए हैं, यहाँ पड़ता है मूर्ति ब्रिज, जहाँ से यहाँ के लिए नाम है गोरुमारा टेंट्स। गोरुमारा जो पूरा जंगल है, यहाँ का जंगल सफारी होती है, उसके लिए हम लोग आ चुके हैं मूर्ति ब्रिज। और यहाँ से हम लोगों ने टोटल कलेक्ट कर लिया है 18 टिकट्स और हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए। और ये है हमारी गाड़ियाँ हैं, जिस नदी में अंजार है, जान है, सब है, सबको बैठे हुए। और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से लोग निकलेंगे, एक जीप और आ रही है हमारी, जो लोग हमारे बैठे, एक जीप वो भी जीप आ चुकी है। और बात है यहाँ से पहुँचने के लिए कि यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो उसका रास्ता ऐसे है कि अगर आप सिलीगुड़ी आते हैं, सिलीगुड़ी से आपको आना होगा चालसा, बाद आपको मतलब किसी से पूछ सकते हैं कि मूर्ति ब्रिज जाना है, मूर्ति ब्रिज कैसे जाना वो बता देंगे। जब यहाँ रुकेंगे तो वहाँ से टिकट मिलती है, एक आदमी का 140 का टिकट होता है। और हम लोगों ने टोटल टिकट हो गए हैं 18, और छः एक गाड़ी पर 6 लोग आते हैं, जिसके 2630 पड़ते हैं। और ये जीप है बंगाल, बंगाल जीप। अब हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं, और हमारे लोग और लोग चल रहे हैं भाई, सब लोग गाड़ी पर। मिलते हैं फिर आगे। ये पूरा जंगल गोरुमारा टेंट्स के नाम से जाना जाता है, इसमें चाबरा बारा क्या क्या नाम है पता नहीं। और हम लोग निकल चुके हैं, हमारी ये गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। अलग तरह की वाइब है यहाँ पर, भी हवा में है जो जंगल की सुहावना, वो वाकई 10 of 10 है यहाँ का। हम लोग गोरुमारा नेशनल पार्क की तरफ बढ़ चुके हैं, और वो है ये गेट है, उसके बाद हम लोग को अंदर जाना है। और अभी हम लोग सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, गाड़ियाँ लग चुकी। यहाँ जो रैनो का बनाया गया है स्टैचू, यार वो बहुत बहुत शानदार बनाया गया है। और सभी लोग हम लोग बैठ चुके हैं, हम लोग निकलेंगे, सब कुछ क्लियरिफिकेशन हो चुका, पेपर वर्क हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं जंगल की ओर, मिलते हैं बाकी अंदर। जंगल का जो एंट्रेंस गेट है गोरुमारा नेशनल पार्क का एंट्री गेट, हम लोग पार कर रहे हैं। दो गाड़ियाँ हमारी जा चुकी, अब पता नहीं अंदर क्या दिखेगा, मालूम नहीं। दादा मिलते हैं, प्लीज डोंट मेक नॉइस। मुझे मांझी मूवी का मांझी याद आ गया, नवा आपके लिए क्या कहूँ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। मतलब फील आ रहा है कि जब तक आज जानवर को देखेंगे नहीं, तब तक ये जंगल छोड़ेंगे नहीं। पूरा जंगल इसी तरह रॉयल बंगाल टाइगर अगर देखना तो सुंदर बन जाता। इस जंगल अगर हमको बकरी भी दिख गई तो बहुत है। यार वीडियो स्टॉप था, बट अभी एक मोर मुझे पीछे देखा, छोटी सी थी, क्यूट सी थी।
यहाँ है मोर, एक और देखा पीछे। बहुत ही शानदार, लोगों को देखना है जंगली जानवर, सब लोग का पेट नहीं भरेगा, लोगों को देखना है शेर वेर एकदम चीर पर इस तरह की चीज़ चाहिए हमको, तब जाना है यार सिंधल से पानी का रहता है, तो अगर शेर वेर नहीं देखा तो फिर क्या फायदा, शेर ऐसा हो तो हमारी गाड़ी में बढ़ना हमारे आगे आगे इस तरह का होना चाहिए। वहाँ हम लोग को अभी एक ये हिरन दिखी जो अंदर की ओर जा रही है, वो आप देख सकते हैं, ये रही देखिए, शायद आ जाए। एक मोर हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मोर, एक मोर यहाँ पर पेड़ पर घूमते हुए, एक मोर वहाँ पर था, मतलब तो जंगल के बाएं तरफ जो है ना वहाँ हम लोगों को जानवर दिख सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ जो टावर बनाया गया है यहाँ जाने के लिए, कि टावर से आप जानवर को देख सकते हैं, और हम लोग को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप लोग चिल्लाएंगे नहीं, जानवर को देख के चिल्लाएंगे नहीं। गाछ ना गाछ, इस गाछ से उस पर आगे थोड़ा फाका जैसे दिख रहा है, उसी का ऊपर सदा जैसा दिख रहा है, पीठ दिख रहा है वो ऊपर सो गया। अच्छा, है हाँ। कहाँ दिख रहा था तेरा कैमरा, उधर की तरफ क्या है वो सामने इस गाछ का है, गाछ है ना ये वाली गाछ, ये गाछ ऊपर का जो पूरा सामने ऊपर उसका वो पूरा सो गया है। ये गाछ कौन सा जानवर है? राइनो। अच्छा, राइनो है। कहाँ पे कहाँ पे अच्छा, ये जो गाच है ना गाच सामने पेड़, देखिए पानी, देखिए हां पानी वो जो बीच में थोड़ा ऊपर के बोल, ऊपर पेड़ देख, ऊपर देख, हां एक गाच ना गाच यहां पर, एक इससे थोड़ा नीचे। अच्छा 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 अच्छा, और ज़ूम करके देना कैमरा वो वहां पे, वो दोनों के बीच में। दादा बता रहे हैं कि वहां पे एक पानी है ना, वो वहीं पर एक रैनो है, बड़ी वाली रैनो जो अभी आराम फरमा रही है खा पी कर। एक रैनो की बात कर रहे कि वहाँ पर रैनो है, वहाँ पर रैनो है नहीं अभी, हमको मुझे तो नहीं दिख रहा। एक रैनो ही दिखा है, टोटल पैसा वेस्ट, एक हिरन और कुछ मोर, बस वही दिखे हैं, बाकी तो भाई बाकी कुछ नहीं दिखा। बाकी ये जंगल है, शानदार जंगल, जंगल देख के ठीक है क्या होगा, कुछ फोटो लिया गया है जंगल का, खुद का जो हम लोगों ने शूट किया है वो भी देखिए। भाई जिस हिसाब से हमको हम लोग को बोला गया था कि यहाँ जानवर दिखेंगे, एलिफेंट दिखेंगे, राइनो दिखेंगे और भी जंगली जानवर दिखेंगे, तो फिलहाल तो हम लोग अपने को मिला नहीं यहाँ पे, और हम लोग तो सबसे पीछे थे भाई, तो हम लोग के साथ क्या हुआ कि हम लोग एंटरटेनमेंट मिला और अव्वल किस्म का एंटरटेनमेंट मिला हम लोगों को, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ताजगी मिली है, जो ताजगी मिली है, मतलब अलग तरह की वाइब थी ना यहाँ की, बहुत शानदार, ऐसे एनवायरनमेंट हम लोगों को शहर एरिया में तो नहीं दिखता, फील हो रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लीजर फील हो रहा है अंदर से, तो बस यही कहेंगे कि ठीक है रहा, लेकिन वैसा जो बोलते हैं औसम वाली बात तो वो नहीं रही, वो अपने को फील है कि भाई उनको उस तरह की नहीं आया, जो भी पैसा था मन लगा जानवर देखने था नहीं देख पाए, खैर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अभी आपको कुछ सिनेमेटिक शूट किया हूँ वो दिखाता हूँ।
जंगल सफारी समाप्त और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। पांच लोग हैं हम लोग गाड़ी में, भाई बस बढ़ाइए फिर उसी रास्ते पर चलना रहा तो दोबारा कोई जानवर दिखेगा नहीं, रहा तो नहीं दिख पाएंगे। हम लोग जा रहे हैं सीधा बाहर की ओर, यहाँ से हम लोग आए जाएंगे, ये वापस जाने का जो ट्रिप है वो जा रहा है, जो दिखेगा दिखेगा, जंगल घूम लिए अब जा रहे हैं वापस बाहर। सफारी खत्म, एंडिंग हो गया, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा जाएंगे हम लोग की ओर फिर से। इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग समाप्त। हाँ तो भाई लोग आप लोग जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो नहीं मेंशन जरूर करना और कुछ भी चीज की आप और आगे बताना कि और इसकी इम्प्रूवमेंट क्या होगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।